ऐसा खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तभी है यारो जब हारने का रिक्स हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इस सदी का सबसे बड़ा दानवीर के बारे में, जो पिछले 100 साल में 7.60 लाख करोड़ रुपए दान किए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी जा करके आपको इसके बारे में जानकारी होगा। इसी तरह से करंट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी दबा सकते हैं अगर अच्छा लगे ये वीडियो तब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोरोना महामारी की लड़ाई में टाटा समूह ने पिछले साल मार्च में 1500 करोड़ रुपए दान किए थे। यह भारतीय बिजनेस घरानों द्वारा सबसे बड़ी चैरिटी थी। दुनिया में टॉप 20 अमीरों के लिस्टों में भारत का स्थान 11वें नंबर पर आता है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े दानवीरों में भारत का नाम टॉप पर आता है। आप ये भी जान लीजिए, करीब 6,36,388 करोड़ के नेटवर्थ वाले मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय हैं, लेकिन आप यह जानकर के चौंक जाएंगे कि सबसे अमीर भारतीय मुकेश अंबानी के नेटवर्थ से ज़्यादा रकम तो टाटा ट्रस्ट ने दान कर दिए हैं। ये रिपोर्ट हुरुन रिसर्च और एडलगिव फाउंडेशन के रिपोर्ट के अनुसार है। मुकेश अंबानी के नेटवर्थ करीब 6.36 लाख करोड़ यानी 6,36,000 करोड़ करीब है, जबकि टाटा ने पिछले 100 सालों में करीब 7.60 लाख करोड़ दान कर दिए हैं। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े दानवीर के लिस्ट में टाटा ग्रुप का नाम आता है। आप ये भी जान लीजिए कि कोविड के लड़ाई के दौरान दान किए गए फोर्ड फाउंडेशन ने सबसे ज़्यादा दान किए हैं, 7,400 करोड़ के साथ सबसे पहले नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के टॉप 50 दानवीर मिलकर सालाना 2.2 लाख करोड़ रुपए दान कर देते हैं। एक मैकेंजी स्कॉट की ओर से भी हर साल 63,000 करोड़ दान हो जाता है। तो कैसा लगा ये रिपोर्ट, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में राय दें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।